गायत्री यंत्र अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। मेरे घर में शायद मैं समझ रहा हूँ पिछले 8 साल से या 11 साल से मेरे किचन में वो मशीन खराब होती है, अब नई मशीन जाके ले आते हैं। मतलब उतना ही टाइम वो जो बस स्टॉप हुआ तो स्टॉप हुआ, अदरवाइज वो 24/7 चल रहा है, उसको हमें रोकना नहीं। अब बच्चे कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो हमारे पास उसके लिए भी लॉकेट है। आप गले में उसको सरस्वती यंत्र का टॉकलेट डलवा सकते हो। देखो मैं नहीं कह रहा कि 100% रिजल्ट आएगा, बच्चा पढ़ने लगेगा, ना किसी की चीज़ कोई 100% रिजल्ट नहीं होता। थोड़ा सा इनर बिलीव भी लेके आना पड़ता है, खुद से भी कोशिश करनी पड़ती है। ये उस कोशिश को अगर आप 50 कर रहे हो तो 90 तक ले जाएगा, 70 तक ले जाएगा, 80 तक ले जाएगा, 90 तक ले जाएगा, पर वो रिजल्ट दिखाएगा। दूसरा, जब भी बच्चा पढ़ने बैठे हमेशा उसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ जाए। अच्छा, ये भी फर्क होता है। हाँ, ये भी होता है। होता तो बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या। अपॉर्चुनिटीज जो आती है हमेशा नॉर्थ से आती है। जो बच्चा 11th क्लास से अबव स्टडी कर रहा है उसको हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए, और जो उससे छोटे बच्चे हैं वो चाहे ईस्ट की तरफ भी फेस कर ले, जहाँ से सूर्य भगवान आता है वो भी बहुत बढ़िया है।